हेलो गाइस, तो फिर सभी का आपको स्वागत है आज की मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है, आप उससे आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट रहता है आप उसको बाय कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, उसे परचेज कैसे कर सकते हैं आपको सिंपली से करना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए बताना है, देखना है, और हम आपको बताएंगे कि आपको प्रोसेस टू प्रोसेस कि आपको क्या क्या करना है, तभी आप उसको जो है बाय कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। तो और हमारा जो एम है, हमारे चैनल का जो एम है, वो 3 मिनट के अंदर ही वीडियो लेके आता है ताकि आपके जो टाइम है वो भी बचाया जा सके और आपके लाइफ को सिंपल और इजी भी बनाया जा सके। और आप फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे चैनल में जाके वहाँ प्लेलिस्ट बनाया है फ्लिपकार्ट प्रॉब्लम नाम करके, आप वहाँ से जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और वहाँ वीडियो नहीं मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो ताकि उस प्रॉब्लम की और उस इशू की हम लोग जो सॉल्यूशन निकाल सके और आप तक वीडियो हम पहुँचा सके। तो शुरू करता है हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको लिए दो चीज़ कहना चाहता हूँ हमेशा की तरह। पहले तो वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें पता चलता है हमारी वीडियो किन किन लोगों को पसंद आ रही है। और सेकंड काम जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारी हर घंटे घंटे की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो शुरू करता है हमारा वीडियो और चलते हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ। देख सकते हो जैसे मैं अपने स्क्रीन पर आ गया हूँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जो फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन है आपको उसको ओपन कर लेनी है। देख सकते हो जैसे मेरा ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हो आप फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है आप यहाँ पे ही कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये जो आउट ऑफ स्टॉक है उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा था, आप लोग के लिए रिसर्च कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि एक रेडमी 4 का जो फ़ोन है वो करंट यू आर नॉट डिलीवर नॉट अवेलेबल। तो देख सकते हो जैसे मैं इसमें ही बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक देख सकते हो यहाँ पे आपको एक सेलर जो रहता है इस फ़ोन का जो सेल करता है, आप उससे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के बाद आप जैसे उससे बातचीत करोगे कि आप हिंदी से भी इससे बात कर सकते हो और यहाँ पे आप इंग्लिश से भी बात कर सकते हो, जैसे आपका मन है वैसे आप बात कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पर बात करोगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बात करने के बाद आपके लिए ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो अवेलेबल कर देगा आपके लिए। जी हाँ गाइस, जी आपके लिए अवेलेबल कर देगा। जैसे देख सकते हो मैंने जो रियलमी C3 फ़ोन थी वो अभी कुछ दिन पहले जो थी वो आउट ऑफ डिलीवर थी, मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक थी। जब मैंने इस पर मतलब थोड़ा क्लेम किया तो मतलब इशूज़ वगैरह भेजी तो इसने मेरे को अवेलेबल कर दिया। तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपको जो सेलर है उससे बात कर लेनी है, आप उस आपको प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कर देगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।